हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका गो फॉर प्रेप की इस नई क्लास में। और आज हम लाला लाजपत राय के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, जब साइमन कमीशन भारत आया था तब लाला जी ने उसका विरोध किया और ब्रिटिश सरकार ने उन पर लाठियों से प्रहार किया। और इसके बाद उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी। और अंततः वैसा ही हुआ। चलिए दोस्तों, लाला लाजपत राय के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, पंजाब केसरी या पंजाब के शेर के रूप में लोकप्रिय लाला लाजपत राय भारत के महान नेताओं में से एक थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए भारतीय लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लिया था। दोस्तों, वह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध लाल बाल पाल की तिकड़ी के प्रमुख सदस्य थे। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की नींव भी रखी थी। दोस्तों, यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंजाब नेशनल बैंक की नींव किसने रखी थी, तो इसका उत्तर होता है लाला लाजपत राय ने। दोस्तों, लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी राधा कृष्ण आजाद और माता का नाम गुलाब देवी था। इनके पिता मुंशी आजाद फारसी और उर्दू के विद्वान थे तथा इनकी माता एक धार्मिक महिला थी, जिन्होंने अपने बच्चों में मजबूत नैतिक मूल्यों को विकसित किया था। दोस्तों, लाला लाजपत राय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रेवाड़ी में प्राप्त की, जहां उनके पिता शिक्षक थे। लाला लाजपत राय ने लॉ की पढ़ाई के लिए 1880 में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया था। दोस्तों, कॉलेज में रहते हुए वे लाला हंसराज और पंडित गुरुदत्त जैसे देशभक्तों और भावी स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में आए। उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से कानून की पढ़ाई की और उसके बाद हरियाणा के हिसार में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की। दोस्तों, बचपन से ही उन्हें अपने देश की सेवा करने की इच्छा थी और इसलिए उन्होंने इसे विदेशी शासन से मुक्त कराने का संकल्प लिया था। दोस्तों, लाला लाजपत राय की शादी 1877 में राधा देवी से हुई थी। दोस्तों, लाला लाजपत राय एक जिज्ञासु पाठक थे और उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा वह उनके दिमाग में एक बड़ी छाप छोड़ गया। दोस्तों, वे इटली के क्रांतिकारी नेता जिस्पे मेत्सिनी द्वारा उल्लिखित देशभक्ति और राष्ट्रवाद के आदर्शों से गहराई से प्रभावित थे। मेत्सिनी से प्रभावित होकर लाला जी स्वतंत्रता प्राप्ति के क्रांतिकारी तरीके से प्रभावित हो गए। उन्होंने बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष और बाल गंगाधर तिलक जैसे अन्य प्रमुख नेताओं के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उदारवादी राजनीति के नकारात्मक पहलुओं को देखना शुरू किया था। दोस्तों, लाला लाजपत राय ने अपनी कानूनी प्रैक्टिस को त्याग दिया और अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त कराने की दिशा में अपना सारा प्रयास लगा दिया। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन की अत्याचारी प्रकृति को उजागर करने के लिए दुनिया के प्रमुख देशों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मामलों की स्थिति को पेश किया। वे 1914 में ब्रिटेन और फिर 1917 में अमेरिका गए। अक्टूबर 1917 में उन्होंने न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। वह 1917 से 1920 अर्थात 3 साल तक वे अमेरिका में रहे। दोस्तों, 1920 में अमेरिका से लौटने के बाद लाजपत राय को कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया था। दोस्तों, उन्होंने जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार के विरोध में पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व किया। जब गांधी जी ने चौरी चौरा की घटना के कारण आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया तो लाजपत राय ने इस फैसले की आलोचना की थी। दोस्तों, साइमन कमीशन ने 1928 में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के उद्देश्य से भारत का दौरा किया था। इस मिशन में केवल ब्रिटिश प्रतिनिधि शामिल थे और इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। इस वजह से भारतीय नेता बहुत नाराज हुए, देश विरोध में भड़क गया और लाला लाजपत राय इस तरह के प्रदर्शनों में सबसे आगे थे। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने लाहौर में साइमन कमीशन के आगमन का विरोध करने के लिए एक शांतिपूर्ण जुलूस का नेतृत्व किया। पुलिस अधीक्षक स्कॉट ने अपने पुलिस बल को कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया। पुलिस ने विशेष रूप से लाला लाजपत राय को निशाना बनाया। इस कार्रवाई में लाला जी को कई ढेर सारी गंभीर चोटें आईं। इसके बाद 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। उनके अनुयायियों ने ब्रिटिश पर दोष लगाया और उनकी मृत्यु का बदला लेने की कसम खाई। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर स्कॉट की हत्या की साजिश रची, लेकिन क्रांतिकारियों ने जेपी सॉन्डर्स को स्कॉट समझ लिया और सॉन्डर्स को गोली मार दी।
आइए दोस्तों जानते हैं कि लाला लाजपत राय की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। दोस्तों एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के अतिरिक्त लाला जी एक लेखक भी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ पुस्तकें लिखी जैसे कि यंग इंडिया, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जो कि उनकी आत्मकथा है। दोस्तों देशभक्ति और राष्ट्रवाद पर उनके विचारों ने लाला लाजपत राय को एक सम्मानित नेता का दर्जा दिया। उन्होंने अपनी पीढ़ी के युवाओं को प्रेरित किया और उनके दिलों में देशभक्त की भावना को जगाया। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे युवा ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं जो कि लाला जी के विचारों से प्रेरित होकर अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के खातिर अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। दोस्तों हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम IAS SSC बैंक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर्स अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो जानकारी आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। इसके अलावा गवर्नमेंट एवं कॉम्पिटेटिव एग्जाम संबंधित किसी भी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट www.goforprep.com विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।